नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी दिवाली की तैयारी में लगे हैं। आज एक नया अनसुना कहानी लेकर आया हूं। दोस्तों, अभी जो आप वीडियो देख रहे हो इंटरनेट की सहायता से देख रहे हो। आप जब भी कुछ मैसेज भेजना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप की सहायता से भेज देते हो, और आप सभी जानते ही हैं, फेसबुक हमारा जीवन का अविभाज्य अंग बन चुका है। इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड करना हो या फिर रील्स अपलोड करना आजकल फैशन बन चुका है। इन सभी चीजों के लिए हमें इंटरनेट की जरूरत होती है। क्या आप सभी जानते हैं, इंटरनेट की स्पीड कम हो जाती है तो हमें सहा नहीं जाता है। वर्क फ्रॉम होम हो या फिर लैपटॉप चलाना हो, हमें इंटरनेट की जरूरत होती है। चलो आज एक ऐसी भौतिक विज्ञानी के बारे में बताऊंगा, शायद ही आप उनका नाम सुने होंगे। नरेंद्र सिंह कपानी एक भारतीय मूल के अमेरिकी भौतिक विज्ञानी थे। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1926 को हुआ था, जिन्हें फाइबर ऑप्टिक्स में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्हें फाइबर ऑप्टिक्स का पितामह माना जाता है। फाइबर ऑप्टिक्स शब्द 1956 में कपानी ने ही आविष्कार किया था। फॉर्च्यून मैगजीन ने अपने बिजनेसमैन ऑफ द सेंचुरी अंक में उन्हें 7 अनसंग हीरोज में से एक के रूप में नामित किया गया था। ये ऐसे नायक हैं जिनकी उतनी प्रशंसा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। ऐसे विज्ञानी को तह दिल से अभिवादन। दोस्तों, क्या आप इनके बारे में पहले से जानते थे? नीचे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूले। अगले एपिसोड में नई किस्से के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय कर्नाटक।